जय श्री राधे। वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका मित्रों हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। हम हर रविवार को 5 प्रश्नों का उत्तर निःशुल्क देते हैं। इसमें से हम प्रयत्न करते हैं कि जो 5 प्रश्न लिए जाएं, वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वो प्रश्न हो, इसलिए हम चुन करके उसमें से प्रश्नों को निकालते हैं। पहला प्रश्न है आयुषी निगम का, 14 नवंबर 1995 जन्मदिन। जन्म समय है 11:39 सुबह। स्थान है इंदौर, एमपी। इन्होंने प्रश्न किया है कि सर प्लीज ये बताएं, मुझे फौरन फॉरेन जाने के योग हैं या नहीं, और शादी कब होगी, कृपया बताएं। ध्यान दें, कृष्ण पक्ष सप्तमी मंगलवार दिन, मंगलवार पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है। बुध अस्त है, शनि बकरी है, केतु में मंगल की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र की प्रत्यंतरदशा। संकटा में संकटा योगिनी है। योग ऐसे हैं, मकर लग्न के इनका जन्म है। यहाँ पे ये विदेश अवश्य जाएंगे और विदेश जाने का योग प्रबल है। साथ में इनका प्रश्न है कि कब जाएंगे। योग आ रहा है, अभी भी चल रहा है, अगर ये परिश्रम करें तो श्योर तुरंत बहुत जल्दी जाएंगे। विवाह का भी योग आने वाला है, अभी समय है। विवाह में लगभग इनको समय जाएगा अप्रैल 2022 के बाद विवाह का योग बनेगा, अभी नहीं। अगला प्रश्न है ज्योति कारुख का। इनका जन्म है 12 मार्च 1990, 7:30 अंबेडकर नगर, सुबह के समय। इनके प्रश्न का आपको देखेंगे तो सोमवार कृष्ण पक्ष प्रतिपदा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में, राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा, 5 फरवरी 2020 तक गुरु की प्रत्यंतरदशा चल रही है और इस समय संकटा योगिनी चल रहा है, बुध अस्त है। इनका प्रश्न है कि सर मैं जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए कोशिश कर रही हूँ, तो दूसरा प्रश्न है और शादी कैसे होगी बताएं प्लीज। यहाँ पे देखें तो निश्चित ही मीन लग्न का उदय है, मीन लग्न में इनका जन्म है और चतुर्थ भाव में गुरु बैठ करके दशम भाव को देख रहा है। निश्चित ही यह प्रोफेशन में शिक्षिका का यानी जॉब प्रोफेसर का पाएंगी। डबल माइंड है, लोगों को बहुत अच्छा उत्तर देती हैं और आगे बढ़ने का बहुत बड़ा योग है। विवाह का जो समय है वैसे तो अभी चल रहा है, इतने जल्दी अगर करें, परंतु यह दोहरे विचारों की होने के साथ साथ कंफ्यूजन में रहने के कारण यह निर्णय नहीं ले पा रही हैं, तो इन्हें निर्णय या स्वतः विवाह के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। अपने उम्र के लगभग इस समय 29 वर्ष की हो रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 31 और 32 साल में अपना निर्णय लें कि कब इनको विवाह करना है। जॉब इनका यथाशीघ्र मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है गोपाल सिंह जस्सल का, 14 मार्च 1983 जन्म समय है 9:45 रात को, लुधियाना पंजाब में। इन्होंने प्रश्न किया है सर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कृपया कुछ उपाय और मार्गदर्शन दीजिए। ध्यान दें, सोमवार अमावस्या के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पैदाई से पूर्वा भाद्रपद के तृतीय चरण में,
और यहाँ पे चंद्रमा मंगल, चंद्रमा और बुध, मंगल नहीं बुध, चंद्रमा बुध अस्त है, शनि बकरी है, तुला लग्न की कुंडली है और शनि बकरी होने के साथ साथ उच्चस्थ भी है। तो दशाएं जो चल रही हैं अगर ध्यान दें तो इस समय इनको बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा और गुरु में शनि की प्रत्यंतरदशा चल रही है। पहला कार्य है कि जो शनि बकरी है और बकरी होकर के उच्चस्थ है तो यह बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। यहां पे प्रदर्शित कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा कार्य करूंगा परंतु होगा नहीं। तो 16 नवंबर तक समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। साथ में 16 नवंबर के बाद इनका अच्छा होगा, हो सके तो इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे इनको सद्य लाभ की प्राप्ति होगी। और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, पूरी चीज परिवर्तन हो जाएगी। हो सके तो जहां पे भी इनको विष्णु की प्रतिमा दिखे या विष्णु का मंदिर हो वहां पे पीले फूल जाकर के जरूर चढ़ाए। अगला प्रश्न है महिपाल सिंह झाला का। 20 सितंबर 1998 समय है 6:20 सुबह के समय, उदयपुर राजस्थान। इनका प्रश्न है कि गुरुजी मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, कृपया मार्गदर्शन करें। इनका जन्म है रविवार अमावस्या के दिन पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में चतुर्थ चरण में और चंद्रमा और बुध अस्त है, शनि बकरी है, कन्या लग्न की कुंडली है। साथ में इनको इस समय दशा जो चल रही है मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा और शनि में मंगल की प्रत्यंतरदशा। तो पहला कार्य है कि देखें हम कि शनि इनके लिए क्या कर रहा है। शनि नीचस्थ है, लाभ देने के कगार पे है। इनका कहना है कि इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इनको मित्रों गवर्नमेंट जॉब अवश्य प्राप्त होगा। थोड़ा मेहनत और करें, मेहनत करें सफलता निश्चित मिलेगी। ध्यान दें, हो सके तो भगवान शिव जी को जल चढ़ाएं और 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करके रखें। पांचवा प्रश्न है प्रहलाद कुमार सिंह। इनका जन्म है 27 अक्टूबर 1991, समय है 8:05 रात को। इनका जन्म है दरभंगा बिहार में। इन्होंने लिखा है, इनका प्रश्न है कि गुरुजी क्या मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब लिखा है या नहीं, या कौच या कुछ दूसरा टाइप का जॉब लिखा है मेरे भाग्य में। तो ध्यान दें कि कृष्ण पक्ष पंचमी दिन रविवार को मृक्षिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म है, वृषभ लग्न की उदय हो रही है, मंगल जो है वह अस्त है। इस समय इन्हें गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है और चंद्र की प्रत्यंतरदशा। तो 8 जुलाई 2021 तक इनका समय बहुत अच्छा नहीं है। पहला कार्य है किनका है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ी दिक्कतें हैं इनको, मुश्किल है, ये जो जॉब मिले उसे करें और अपने
मन के अंदर जो हाइपरनेस है तुरंत अति उत्तेजित हो जाते हैं, उसे कंट्रोल करें। और अभी समय इनके टोटल विपरीत है, प्रयत्न करें कि जो भी इनको मिलता है वो कर ले, अन्यथा बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है। तो मित्रों, गवर्नमेंट के जॉब के लिए हम कंफर्म नहीं है क्योंकि ऐसा उत्तर नहीं दिख रहा है। हाँ, यह हम जरूर कह सकते हैं कि इन्हें कोई भी जॉब इस समय मिले उसे अवश्य स्वीकार करें, यह इनके लिए लाभकारी होगा। कारण अन्यथा 8 जुलाई 2021 तक इनके कोई भी कार्य ढंग से सिद्ध नहीं होंगे। मित्रों, आपको कोई भी प्रश्न करना है तो मैं यह आपको हर रविवार के दिन उत्तर देता हूं इसका, तो आप भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं। आपको ज्योतिष के विषय में, पंचांग के विषय में, मुहूर्तों के विषय में और अपने कार्य को करना और सिद्ध होने के विषय में अगर देखना है तो मेरा वेबसाइट्स है vaidikrishi.in या कुंडली ऐप करके है, आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें। इसमें देखें, इसको आपको प्रतिदिन का भविष्यफल, पंच पक्षी, साथ में आपकी पूरी जनपत्री इसमें प्राप्त होगी। इसके माध्यम से आप पीडीएफ फाइल जन्म कुंडली का या वर्ष कुंडली का मंथली वाइज आप बनवा के मंगा भी सकते हैं, या नहीं अन्यथा तो आप प्रतिदिन का अपना फलादेश देखें और उस ढंग से अपने जीवन को जीने की चेष्टा करें। जय श्री राधे।